उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं मेरठ से लाला पत्रकार की ये खास रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक की बात है, यहाँ पर रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर रावण के पुतले लगाए दिए हैं और उसके बीच में अभी अभी हमारे यहाँ पर जो है यहाँ हर साल इस तरीके का मातृ सम्मेलन मनाया जाता है। वैसे विजयदशमी एक बहुत पवित्र त्यौहार है और यहाँ पे कम से कम 60 सालों से ऊपर से कम से कम रामलीलाएँ होती आई है। 75 फुट के करीब ये रावण बना हुआ है, जो है अर्श की जो आँखें हैं वो पूरी घूमेंगी पूरी रात को और चक्री पूरी आगे से चलेगी नाभी के पास से। तीन पुतले, एक मेघनाथ, एक रावण और एक ये कब से बनाया जाता है सर? 62 से बन रहा है। 62 ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कोई तरह की कोई मामला है? ना ना ना, बहुत ही सुहाव तरीके से बनाया जाता है। अगर पूरा प्रशासन का पूरा समर्थन होता है इसके अंदर, प्रशासन अपनी पूरी फोर्स और सारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी एक्टिवली एंगेज रहती हैं, अपनी पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है ट्रैफिक का सब पूरी सुरक्षित रूप से रखा जाता है। राजेश खन्ना, लेखा परीक्षा। राजेश खन्ना जी हमारे साथ लेखा परीक्षा। उन्होंने यहाँ पर देखे किस तरीके से बताया है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। यहाँ का यहाँ पर कोई इस तरीके कोई मामले नहीं है। और देखिए, नाम है मेरा महामंत्री रामलीला कमेटी में अच्छा ठीक है। गणेश की आज वैशाली ग्राउंड के अंदर जो रावण बनाया, कितने फीट का बनाया और इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं? ये रावण जो बनाया हमारा 130 फुट का रावण है और इसमें खूबी है सारी। एक तो इसमें आँखें घूमेंगी इसके लाइट से, एक रिमोट से इसका दहन होगा, पहली बार होगा कि LED पे ये रावण लाइव चलेगा। जब भी ऐसा कोई भी आयोजन होता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जाती है, जितने भी प्रकार के एहतियात हो सकते हैं, क्योंकि हमारा प्राथमिक दायित्व तो है कि जो भी ऐसे त्यौहार हैं सकुशल शांतिपूर्वक और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना, सकुशल शांतिपूर्वक सुरक्षित लोग आएँ और इसी प्रकार से अपने घर जाएँ, जिससे जो अच्छा संदेश होता है इन त्यौहारों का उसको ले के यहाँ पर जाएँ और जहाँ पर जाएँ वहाँ पर इस रूप में इसको प्रसारित करें। तो इसके लिए हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है, हमारी साइबर सेल है, हमारा सर्विलांस सेल है और इसके अतिरिक्त अपना काम करेंगे ही BDS, AS चेक टीम, एंटी सेबोटाज चेकिंग, ये सारी हमारी टीमें जो हैं तमाम स्थानों पर काम करते हुए हर जगह जाएंगी जहाँ पर इस रूप में काम करेंगी। इसके अलावा जो सिविल फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज का है, RAF की भी कंपनी है, PAC भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा करीब 3,500 सिविल फोर्स के जवान पूरे जनपद में इन कार्यक्रमों को सकुशल, सुरक्षित, शांतिपूर्वक और पूरे जो इसकी दिव्यता और भव्यता इन त्यौहारों की उसके अनुसार संपन्न कराने के लिए पूरे तन मन से इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।